हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल। सो ये आज के हमारे कान्हा जी के दर्शन हैं और इसके बाद जो ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरे अपने घर का है, पूरे दिन का, सुबह से लेकर शाम तक वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सो देखिए, अच्छा जी, ये देखिए बाहर हो रही है बारिश। और जो मैं कल दिखाया था ना, शिवांश को गए थे हॉस्पिटल लेके, तो वहाँ से मैं ये फुलवाड़ी लेके आई थी और ये रखा हुआ था ना, इसमें तुलसी लगी थी तो सूख गई थी। और तो यहाँ पे ना मैंने वो सब पहले से ही फ्लावर में जो था मिट्टी तो थी, तो मैंने फुलवाड़ी को यहाँ लगा दिया था। और ये देखिए, इस पर एक फूल भी आ गया, इतना प्यारा लगा ना मुझे सुबह सुबह देख के, तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया। और बाहर का नज़ारा आप इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना, इतना मतलब बाहर की बारिश हो रही है, मौसम में एकदम, देख लीजिए कैसा हो रहा है। वहाँ पर शिवांश से पीछे, शिवांश हेलो पूरा शिवांश पीछे, आ जा बेटा, वो बैठ गया था बाहर, बारिश देख रहा था वहीं बालकनी में। तो चलिए, मैं बना लेती हूँ सुबह सुबह की अपनी चाय। और अभी मैंने ले लिया अपना गुनगुना पानी एक ग्लास भर के अपनी दवाई के साथ। ये मैंने चाय ली, शिवांश ने पी ली अपने टोस्ट दूध। और ये मैंने शिवांश के बन रहे हैं आज राजमा, इसमें एक मुट्ठी मैंने ना दाल डाली है इसमें उड़द वाली, और राजमा को वॉश कर दिया, यहाँ पे पानी डाल दिया, नमक डाल दिया और एक ड्रॉप डाल दी, मतलब दो तीन ड्रॉप मैंने यहाँ पे हाफ स्पून मान लीजिए सरसों का तेल, ताकि ना अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। मैंने देखा है सॉफ्ट भी हो जाते हैं बहुत, जहाँ पर आपकी 6 से 7 सीटी आएंगी, मतलब वहाँ पर 2 से 3 सीटियों में काम हो जाता है, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो यहाँ पर सरसों का तेल और नमक डाल के यहाँ पे अब मैं सीटी लगा दूँगी। तो राजमा बन रहा है और पढ़ाई कर रहे हैं राजा बाबू, वो देखिए बहुत खुश है, मम्मी जल्दी से राजमा बना लो मेरे। बाहर आप बारिश देख सकते हैं, बारिश शुरू हो गई है, ये देखिए बारिश, ठंडी हवा चल रही है एकदम से ना। सो गाइस, यहाँ पे सीटी तो आ गई है 4-5, और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अपने राजमा को। यहाँ पर मैंने चावल रख दिए, चावल बासमती हैं, इनमें एक चम्मच घी डाल दिया, अब एक सीटी लग जाएगी। सीटी लगने से पहले ही बंद करती हूँ, बहुत खिले खिले बनते हैं, तो जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि शिव फिर मैं तो अपने लिए रोटी बनाऊँगी, तो शिवांश को तो राजमा के साथ चावल चाहिए, इसके लिए बना रही हूँ चावल। चावल रख गए हैं और देख लेते हैं, सीटी लगाऊँगी अभी अलग से फ्राई। तो साथ ही मेरे चावल बन गए हैं और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है। ये चावल आज से ना बारिश की वजह से मैंने डब्बा खाली हो गया था, साथ ही साथ वॉश करके रख लिया। और ये देख लीजिए, सारा मैंने सिंक वगैरह अपने सब साफ करके रख दिया है। और यहाँ पे शिवांश बाबू कर रहे थे पढ़ाई और साथ में कर रही थी मैं इसमें अनियन चॉप, और इसके साथ ही मैं पहले ये चॉप कर लूँगी। शिवांश तो मना कर रहा था मम्मी प्याज मत डालना, तो मैंने इसका चॉप करके डाली थी ताकि उसके मुंह में नहीं आए, तो बस यही कर रही थी मैं साथ में अपना काम। हाँ, कर लेती हूँ मैं अपनी प्याज, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है ब्राउन होने तक, और यहाँ पे टमाटर लिया था और साथ में मैंने यहाँ पे मिर्ची भी डाल ली थी, और इसको भी मैं यहाँ पे चॉप करके अच्छे से, और फिर इसका बना लूँगी बढ़िया सा पेस्ट। यहाँ पे ऐड कर लिए हैं मैंने अपने रेगुलर मसाले, मिर्ची, धनिया, लाइक थोड़ा सा गर्म मसाला और नमक। अच्छे से चला चला के यहाँ पे अच्छे से भून लिया है मैंने मसाले को, और साथ में मैंने दिखाए थे मेरे चावल भी हो गए थे बिल्कुल बढ़िया पक गए थे वो, और साथ में मैं इसको तड़का लगा दूंगी।
सो गाइस देखिए खिले खिले चावल और हमारे हो गए राजमा रेडी। शिवांस ने सीटी लगाना इतना मुश्किल कर दिया इसमें, ये देख लीजिए आप मेरे राजमा बनाने का तरीका। अब इसमें सिर्फ जाएगा राजमा मसाला, ये राजमा मसाला डालो। मुझे तो वो मुझे मालूम है, दो मिनट के लिए ढक्कन भी नहीं लगाने देगा, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं। ये देखिए हाफ स्पून लिया है और ये गया इसमें राजमा मसाला। अब इसमें अगर थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख दिया था तो इसका बैठ जाता है। शिवान कहाँ रुकने वाले हैं। देखिए इस तरह से बनाए हमने राजमा और ये देखिए राजमा देख के शिवान बहुत खुश है। तो मैं तब देती हूँ इसके लिए, इसको थोड़ा सा खुले बर्तन में देती हूँ मैं, ताकि इजीली खा ले। ये देखिए शिवान की खुशी आप देख सकते हैं पीछे। यस ऑफ कोर्स चावल नहीं खा पाऊंगी। टेबल पे आ जाओ अपनी छोटी टेबल पे, ये और सॉस के बगैर तो इसका काम चलेगा नहीं। बस क्या बहुत थोड़ी डालना है, बैठो। ये गई केचप और ये गई पापड़। खुशबू बहुत टेस्टी है, इसकी खुशबू आप दे बहुत टेस्टी बता रहे। हरा मिर्चा, हरी मिर्चे, मुझे यमी है भाई। बताओ खा के जरा गाइस को। मतलब राजमा अच्छे नहीं बनाए, सिर्फ राजमा का फ्लेवर टेस्टी लगा, मतलब बहुत टेस्टी बना है। क्या क्या राजमा मसाला का वो टेस्ट अच्छा था। अच्छा था हाँ। ढक कर दिया है इनको और मैं बनाती हूँ रोटी। तो रोटी बनाऊंगी अपने लिए क्योंकि मैं तो चावल नहीं खाऊंगी। तो पापा उसके चम्मच खा गए नहीं आइस। यहाँ पे मैंने कल ना थोड़ा सा आइस ये कुप्स मैंने ये भर के रख दिए थे क्योंकि मुझे शिवांश की आंखों की सिकाई करनी है। डॉक्टर ने बताया 2 times मतलब 15 and 20 minutes के लगभग आपको सिकाई करनी है उसकी आंखों के। दैन उसके बाद चार बार ड्रॉप डालनी है और रात को उसका एक ट्यूब है। सो मैंने कल भी कर दी थी शिवांश की, आज का दिन है। आओ बेटा जल्दी, मतलब फिर से लग रहा है राजमा खाने। आज उसका राजमा से पेट नहीं भर रहा है उसने, मतलब कई बार बीच बीच में जाके खा रहा है और कह रहा है मैं थोड़ा सा खा के आ जाऊँ। नहाने जा रहा था मैं, पहले सिकाई कर देती हूँ ना, फिर पानी पिलाई। हो गया है मेरा काम आज का ना, मैंने रोटी बना के खा ली अपनी राजमा के साथ। और शिवांश ने तो बस उसके पापा के लिए मैंने राजमा बनाए और रोटी भी बना के रख दी है एक्स्ट्रा। तो आज का काम ऑलमोस्ट मेरा मॉर्निंग रूटीन इस तरह से ही गया है आपके साथ पूरी ब्लॉग। मैंने बिल्कुल शिवांश की सॉफ्ट एकदम कॉटन की ये एक ले ली है, कल मैंने हैंकी से की थी, बिल्कुल सॉफ्ट वाला था। और अब गाइस देखना मेरा ठंडा कूल कूल। हां तो गाइस दो हाथ नहीं लगाना को भी कर लो। साफ नहीं हुआ इस तरह से इसको बताया। अपना हैंड पीछे रखो। बहुत ठंडा हो गया, कूल कूल हाथ। कल थोड़ा सा ना सही से नहीं जमी थी आज। तो गाइज यहाँ पर शिवांश का चाय और ये दूध वाला मतलब और ये चॉकलेटी इसका है स्मार्ट वाला, तो ये इसका टोस्ट से खा रहा है। अरे दिखा लो, दिखा लो गाइज को, ये देख लीजिए चला गया है। और इधर पापा जी इंतजार कर रहे हैं शिवांश के और हमारी चाय जो है शाम की। आज मैंने आपके साथ फुल ब्लॉग शेयर किया है सुबह से ही ना, और ये हमारी चाय बन गई है शाम की, देख लीजिएगा आप। वो काफी देर से पकी है। यहाँ पे मैंने कुछ टोस्ट और बिस्किट लिए हैं। यहाँ पे मैंने दोनों नमकीन को मिक्स किया है और इसमें डालूंगी मैं टमाटर प्याज और चाट मसाला हल्का सा नमक। और ये हमारी शाम का है, ये हमारी चाय के लिए रेडी हो रखे हैं कप। तो ये आज की शाम की चाय और ऐसा ही गया आज का दिन हमारा। शिवांश आ गया था गाना गाते हुए यारी पर्वत का, और ये जाता हुआ इसमें हमारे थोड़ा चाट मसाला, ये देखिए ये चाट मसाला गया और ये गया हल्का सा नमक।
बहुत थोड़ा सा डाल रही हूँ। टमाटर प्याज डाले हैं ना नमकीन में, और दोनों नमकीन मैंने मिक्स किए हैं। और अब चाय को छान लेती हूँ। तो ये आज की हमारी चाय हो गई है। यहाँ पर कर देते हैं बंद लाइट को और चलते हैं अंदर और पति देव के साथ। और आप सब भी आ जाइए। ये बोल दीजिए हाय हेलो कर दो कुछ हमारे। जय श्री राम, जय श्री राधे जी, सब पे कृपा बनाए रखें। तो फ्रेंड इसी के साथ ब्लॉग का एंड होगा। और वीडियो कैसी लगी आपकी कमेंट जरूर करना, बताना, लाइक करना अच्छा लगे तो। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। बाय बाय।